गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, हरियाणा की रेशमा एनडीडीबी के अधिकारियों द्वारा 7 बार दूध निकालने के बाद प्रमाणीकरण किया गया कि रेशमा भारत की सबसे दुधारू बेटी है। कैथल जिले के भैंस पालक की बेटी जो है वो भारत की भैंसों में सबसे अव्वल आंकी गई है। रेशमा को और रेशमा के पालक को, दोनों को बहुत बहुत साधुवाद। रेशमा भारत की भैंसों के लिए प्रेरणा बनी है, पशुपालकों के लिए प्रेरणा बनी है। एक तरफ राजस्थान और पहाड़ी हिमाचल और कश्मीर में 3 किलो दूध वाली भैंसें खड़ी हैं, दूसरी तरफ रेशमा 33.6 यानी करीब 34 लीटर के आसपास दूध देकर ये बताया है कि 10 गुनी क्षमता वृद्धि की संभावना है। रेशमा ने श्वेत क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया भारत, और वो रेशमा के साथ साथ उसके बहादुर पशुपालक जो कैथल जिले किसान है, मैं ये भी मांग करता हूँ कि इस बार पद्मश्री जरूर उस भाई के नाम रखी जाए। हरियाणा के सशक्त पशुपालन विभाग से जुड़े अधिकारियों जो रेशमा के बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी तक ले गए और अभियान को गति दी, वहाँ के जो स्थानीय वेटनरी सर्जन्स, वेटनरी डायरेक्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार को और उसके पशुपालन विभाग के अधिकारियों को, कि उन्होंने अपनी रेशमा को पहचाना, रेशमा के गुण को प्रमाणित किया। राजस्थान पशुपालन की संख्या की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा है, वह वहाँ की भी पशुपालन मंत्री से कहूँगा कि शोकर न दिखाए, निकमापन न दिखाए, अपनी ऊँटनी, अपनी भेड़ और अपनी बकरी जो रेशमा है, जोधपुरी बकरी, वो भी वो मैदान में लाकर अपने अधिकारी को निर्देश दे कि एक श्वेत क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त हो। चमचमाती गाड़ियों में बैठना अकेला काम नहीं मंत्री और निदेशक सचिव का, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो आ गया है। और राजस्थान नहीं, राजस्थान में इसलिए कह रहा हूँ पशुपालन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा पशु राजस्थान में है, क्योंकि वहाँ पशु चारण जो है वो एक बहुत बड़ा व्यवसाय है पश्चिम राजस्थान में, जहाँ खेती उन्नत दर्जे पर नहीं खड़ी, इस वजह से लोगों का आजीविका हजारों सालों से साधन रहा है पशुपालन। तो राजस्थान सरकार से मैं फिर कह रहा हूँ कि वो ये रेशमा है इसको भी सम्मानित करें अपनी दृष्टि, सभी राज्य सरकारें रेशमा को उदाहरण माने और अपने अधिकारियों से कहें कि इजराइल जाने की ज़रूरत नहीं है, डेनमार्क जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ प्रतिनिधिमंडल इजराइल बहुत जाते हैं, बदमाश किस्म के कृषि मंत्री गुंडों लुटेरों लफंगों को अपने साथ लेकर और कृषि मंत्रालय का नाम देकर विजिट कराने ले जाते रहे, मैं उनका नाम भी जानता हूँ। दुख पहुँचता है किसानों को साथ लेकर नहीं गए, अपने चापलूसों को, अपने वफादार पिल्लों को लेकर इजराइल पहुँचे और उसको कृषि दल का नाम दिया। दुख पहुँचता बहादुर किसानों को ले जाएं जो 24 घंटे नंगे पैर खेत में खड़ा है, उसको दिखाना था कि ये खेती होती है वहाँ, ये बागवानी होती है, शराब की पी एकड़ और बदतमीज गए जिनका कृषि से कोई लेने देना तक नहीं था। अगर यार टीम मांग ली जाए कौन कौन सा दल गया, कौन कौन गए थे साथ, और वो कर्ज से कर सकते तो इनका मुंह काला हो जाएगा। ऐसी बदतमीज भविष्य में कोई मंत्री ना करे, किसी राज्य का केंद्र का जाए, अगर कहीं जाना तो वास्तव में धरती पुत्रों को लेकर जाए, ये सुधार कर लें। और इस रेशमा और रेशम माँ के मालिक जिस घर की बेटी, उस घर को पूजनीय स्थल माने जाए, उस परिवार की महानता की व्याख्या के बखान किया जाए। मैं ये प्रेस भी कहता हूँ
कि जोर जोर से चिल्लाने वाले पत्रकार सारे वहां चले जाएं। और रेशमा भारत में करोड़ों लीटर दूध के उत्पादन में सुधार करेगी प्रतिदिन। ऐसी बेटियों की जरूरत है। सिलाई कढ़ाई बुनाई वाले सभी क्षेत्र की बहादुर बेटियों को सरकार ने पहचानी, पढ़ाई। और बताएं, मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ाई की रेशमा कौन है और सिलाई की रेशमा कौन है, ये भारत सरकार बताए संसद में। फिर भारत रत्न देते टाइम और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाते टाइम हाथ पकड़ लेंगे कि रेशमा ये नहीं, रेशमा ये है। तेने खुद बताया था संसद में, अब मुंह मत चिपका। रामराज सब लाना चाहते हैं, कौन सा दल है जो रामराज के खिलाफ? खिलाफ मत किसी के कर्म। रामचंद्र जी को मुसलमान मानते हैं कि अपने पिता के आज्ञा पालक रहे हैं। हर मुस्लिम, हर सिख, हर जैनिज्म, हर क्रिश्चियन कहता है बेटा राम जैसा बेटा बनो। पिता ने कहा वन गमन कर गए, मुड़ कर नहीं देखा। हम भी चाहते हैं राम राज्य आए, पर गलारू राम राज्य नहीं, धरती पर रामचंद्र जी जैसे वास्तव में शाश्वत दर्शन। ऐसी मुख्यमंत्री जरूरत नहीं है। 15 मिनट पहले बोल रहा था चोरी के आरोप में चेले के पकड़े जाने भग गया कि नहीं, मैं दोषी नहीं हूँ, इसका मेरा क्षेत्र ही अलग है, मैं सरकार चलाता हूँ, आयोग चलाता है, मुझे ज्ञान नहीं था, क्यों दूँ मैं इस्तीफा इस चोर के बदले? ऐसा नहीं, ये सभी राज्यों की रेशमा सुधरें, रेशमा बने अभी रेशमा बनी नहीं है, ये भी अपने कर्म क्षेत्र में रेशमा से प्रेरणा लें, अच्छाई तरफ बढ़ें, निर्दोषों पर मुकदमे न मढ़ें एक दूसरे से राजनीति खींच निकालने के लिए। हमने कहा था सिर्फ दो कर्म करने होंगे इस भारतीय कुर्सियों को, अधिकारियों, प्रशासकों, नेताओं को, राजनेताओं और नेता प्रशासकों को। गरीबी घटने के हर कदम का समर्थन किया जाए और अपराधियों का शमन किया जाए। पहले यहाँ समन हमारे समाज करता था, आजकल इन्होंने कहा कि आप कानून हाथ में ले रहे हो, नहीं समन करना था समाज को। किसी बहन बेटी के बताने पर लोग इतने लात और गुस्से मारते थे बस में, उम्र भर कभी उसके ऊपर गर्दन नहीं उठती थी शर्म और डर के शाये। तो हम सरकार ठीक लोकतांत्रिक प्रणाली बढ़ा रही है, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, तौबा कर रहे हैं हम कानून को हाथ में लेने की प्रणाली का। हम अनुशासित नागरिक हैं और गरीबी मुक्ति के साधनों के लिए रेशमा आधार बनेगी। मैं नाबार्ड जो 33% सब्सिडी का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया जाए और बैंकों से भी जो SBI जो डेयरी लोनिंग की बात कर रहा है, डेयरी बिजनेस लोन की, वो कागजी कार्रवाई घटाए, 1.5 लाख वार्षिक आमदनी ये वो सब चीज़ें हटाकर 20 करोड़ भारतीय परिवारों को जल्दी जल्दी 4 लाख, एक बहुत छोटी राशि है। हमारा गरीब कभी नहीं भगा है, हमारा किसान कभी नहीं भगा, हमारा दुग्ध पालक कभी नहीं भगा है, घर बैठा मिलेगा अधिकारियों को, ये गारंटी हम देते हैं। नहीं दौड़ेगा नेपाल की सीमा लांघकर, घर बैठा मिलेगा। जब आप पूछेंगे कहाँ हैं वो कृषक, तो उत्तर आएगा अभी खेत गए, आ जाते हैं। और आपको बाबूजी के बैठाएंगे और सम्मानित ढंग से उत्तर भी देंगे कब और कैसे लौटाएंगे। तो निश्चित रूप से 20 करोड़ अनुसूचित और दूसरे जो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के जो कृषक हैं, 20 करोड़ परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, 4 लाख का डेयरी जो लोन सभी को सुनिश्चित किया जाए। निश्चित रूप से आप गारंटी ले सकते हो, आपने हमें छोड़ा कब बगैर गारंटी, वो नहीं देगा तो पिछले को पकड़ोगे। ये बड़ी बातें हमें नहीं आती कि तुम किसका छोड़ते हो, कौन भग गया, 22 लाख करोड़ का बड़ा घोटाला, 25 लाख करोड़ का छोटा घोटाला, ये हमें नहीं आती बातें, वो तुम्हारी उन भाइयों की बातें, वो कर लो, तुमने क्यों लुटाया उस बैंक को हमें नहीं पता, क्या सिविल जानते हो, हमारी सिविल सबकी ठीक है, 4 लाख जितनी बनती है। आप निश्चित रूप से जल्दी जल्दी और ये रेशमा घर घर रेशमा बने, इसलिए सभी राज्य सरकारें, राज्य के पशुपालन मंत्री और बैंक और नाबार्ड के अधिकारी से कहूँगा सब्सिडाइज जो करने का प्रोग्राम चला है, इसके लिए आपको साधुवाद, परंतु पहले बैंक ऋण तो दें, सब्सिडी तभी मिलेगी। तो ऋण देने प्रक्रिया सरल करें, गाँव के सरपंचों के साथ मिलकर कैंप लगाएं, सिर्फ अपनी ब्रांचों ने बुलाएं, खुद ही फील्ड में निकल लें। कॉमर्शियल क्षेत्र को ये मैं बता रहा हूँ कि अनावश्यक रूप से आशीर्वाद नहीं लें, फील्ड में निकलेंगे लोन बांटने किसानों के, नहीं तो कम से कम गांव के पंडाल तक जरूर जाएं, गांव के चौपालों जरूर बैठे, ऋण मेला लगाकर
और दुग्ध उत्पादन के लिए अगले वर्ष में आशा करता हूँ कि 1/4 वृद्धि 25% वृद्धि जरूर दर्ज हो। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने जो अधिकारी हैं पशुपालन से जुड़े, मिल्क मार्केटिंग से जुड़े और जो दूसरे हैं वो उसको गति दें। धन्यवाद।